नमस्ते जी, मुझे वर्मा कहते हैं। ओह नमस्ते, मेरा नाम शारदा है। बस मैं सात्विक जी के यहाँ रहने आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर के शिफ्टिंग में लगा है, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है मेरा बेटा। अरे जरा फोन लगा कर पूछ लूं कि वे घर पहुंचा या नहीं। हेलो। हाँ हेलो बेटा। मैं अभी मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बेटा बस तुझसे इतना पूछना था कि तूने खाना खाया या नहीं। मैं कहाँ ना बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको। आपके मोनार बेटे ने कहता थोड़ी देर में फोन करता हूँ कहकर काट दिया। सालों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख लिया है मेरी इन आँखों ने। कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरा बेटा वैसे नहीं है, बहुत प्यार करता है मुझसे। और मैं कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है, शांति है, सुकून है और समय पर खाना मिल जाता है और कुछ दोस्त बन जाते हैं, और क्या चाहिए। मैं तो कहता हूँ बस आप भजन कीर्तन में अपना मन लगाएं। देखिए मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे चलते हैं। मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा और आपको कोई पूछता तक नहीं है। हाँ बेटा सुन, मैं अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैं कहाँ ना बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैं वो काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, बहुत जल्द आऊंगा आपको, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैं कहाँ ना बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैं वो काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, बहुत जल्द आऊंगा आपको। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बेटा तू भूल जाता है कि 15 दिन बीत गए हैं। आता हूँ माँ, बस थोड़ी सी चीजें सेटल कर लूँ फिर आता हूँ। आपको मेरी बातें बुरी लगती होंगी शारदा जी, लेकिन मेरी बात मानिए, ये उम्मीद बांधने का कोई फायदा नहीं। जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लीजिए, यही हमारा नसीब है। नसीब आपका बुरा होगा, देख लीजिएगा मेरा बेटा मुझे जरूर लेने आएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे तो बस किस बात की टेंशन है, मेरे बिना रह कैसे पा रहा होगा। की शारदा जी, मैं भी चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने के लिए आए, लेकिन मेरी बात मानिए, इस वृद्ध आश्रम में जो एक बार आ गया वो इतनी आसानी से नहीं जाता। आप ना बेकार की बातें करते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। देख लीजिएगा मैं अपने बेटे को अभी फोन करती हूँ, वो मुझे आज ही यहाँ से लेके जाएगा। हेलो। हाँ बेटा सुन, तू मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ माँ, वो काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, तो मैं ये कह रहा था कि माँ आप और कुछ दिन वहाँ मैनेज कर लो। मैं बहुत जल्द आऊंगा आपको लेने, ठीक है माँ? उसको मिला दीजिए और कह दीजिए कि उसकी माँ बहुत बीमार है। हेलो हेलो, शारदा जी की बेटी बोल रहे हो? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ना इधर वृद्ध आश्रम में है और वो बहुत बीमार है, उनको आकर ना तुम ले जाओ। Thank you.
बसेरा साचा दर्द मेरा। मृग तृष्णा साम पिया नाता तेरा मेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के मींचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना। जैसे कि शारदा जी को एक बेटी ने घर से निकाला तो दूसरी बेटी ने संभाला, फर्क सिर्फ इतना है कि एक की डोली घर पर वो लाए थे और दूसरी की डोली घर से विदा कर कर आए थे। तो दोस्तों, हमें अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि कभी किसी के माँ बाप को वृद्ध आश्रम जाने की जरूरत ही ना पड़े।